अपने घर पे ताला मार के हमारे घर में घुसी है, उसमें किसी का भी ताला नहीं था। एक बोले मैं रखती हूँ, एक तुम रखना। जाती छुपके जाती, बट इधर खाली करने तैयार ही नहीं। अभी सब घर पे कब्जा कर, तो यही घर पे रह रही हूँ मैं। घर पे कोई भी आके कब्जा करने का, रातों रात ताला खुला के भाई को मारा गया था, ये मेरी माँ को मारा गया था। मेरे घर के अंदर चोरी करे और मेरे घर मेरी बच्ची को इतना मारे, बाईपास पे आके जान जान की धमकी दे दिया गया था हम लोग को। चर्सी लोग को लेकर आई थी अमृत नगर की, चर्सी औरतें इसके साथ में थी, वीडियो में साफ दिख रही है। पूरा मेरा सामान इन्होंने रोड पर फेंक दिया। मुमरा के एमएम वली के पास ग्रीन पैलेस इमारत के पहले मंजिल पर एक रूम को लेकर आज विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लोगों को चोट लगी है। मौके पर मुमरा पुलिस भी पहुंच गई। दरअसल मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। फरजाना हेल्डे ने बताया कि बिल्किस सिलाट ने उनका घर हैवी डिपॉजिट पर लिया था। फरजाना के मुताबिक 9 लाख की बात हुई थी, मगर सिर्फ 2 लाख रुपया मिला। लगभग 2 साल से बिल्किस इस घर में रह रही है। फरजाना ने बिल्किस पर रूम हड़पने का आरोप भी लगाया है। वहीं बिल्किस ने बताया कि वो हैवी डिपॉजिट पर घर लिए 2 लाख रुपए भी दिए हैं, मगर घर में काम सही तरह का नहीं हुआ है। पानी की पाइप वगैरह काफ़ी समस्या इस घर में है। बिल्किस ने यह भी बताया कि ये लोग कई बार घर खाली कराने आए और मगर घर के बाहर ताला भी लगा दिए और मारपीट भी की है। जबकि बिल्किस रूम पर कब्जा करने की बात से इनकार कर रही है और हैवी डिपॉजिट पर रूम लिया है, ऐसी जानकारी दी है। मगर आज रूम खाली करवाने पहुंची फरजाना और बिल्किस दोनों परिवारों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। दोनों को मुमरा पुलिस अपने साथ ले गई। वहीं आपको बता दें, मीडिया कर्मियों को दिए बयान में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ साथ पुलिस और कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम भी लिए हैं। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के तरफ से पुलिस और दो और जो भी अन्य व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं, इसकी पुष्टि आपका प्रहार टाइम्स नहीं करता है। बहरहाल मीडिया कर्मियों को दिए बयान हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आप सुने फरजाना हेल्डे ने क्या कुछ आरोप लगाया है, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि बिल्किस सिलाट ने भी क्या कुछ जवाब में कहा। चौहान होल्डा ने आगे खुला के दिए, बाद में फिर इन लोग ने क्या करे, नावले साहब ने उन लोग ने रात में चाबी दे दी, फिर रात में सामान सामान चढ़ा दिया। रिपोर्टर है ओके। सर मेरे पास वीडियो है। घर आपका है, घर आपका है, चार ताले पड़ गए, सब सबूत है। मैंने इतने सारे मैंने नोटिस, किसने कब्जा किसने किया, डीसी साहब को परसों के दिन लेटर मारा, आरटीओ मारा।
चार पुलिस आती है और पता नहीं उन लोग फोन लेके चले जाती है। फोन आया मेरे को थाने से कि मुझको बुलाया नहीं हम लोग के घर किसके नाम पे किसके नाम टाइटल प्रॉपर्टी के नाम पे 12 साल से झूठा केस डालूंगी बोलती है कॉस्को का केस डाल दिया हम लोग के ऊपर। तो अभी कब्जा किसने किया दिल के नाम की औरत है कि उसकी इसके आठ घर है इसके चना गार्डन में भी इसका घर है अपने घर पे ताला मार के हमारे घर में घुसी है पूरा सामान है घर में। नहीं ये मामला कोर्ट में भी था ना आप लोगों का ये मामला हमारा कोर्ट में भी था ना तो कोर्ट का डिसीजन क्या था अभी बात ये आती है कि 2 सालों के घर से निकलने का नाम नहीं लेती 4 ताले मार के रहती है पूरी बिल्डिंग वाले से पूछो छुपके आती है छुपके जाती है बट घर खाली करने तैयार ही नहीं। मैंने अभी ट्विटर पे भी डाली साहब लोग सबको भेजी 4 साले मार के मैसेज आया है कि हमने मुमरा चौकी में फोन करके आपकी शिकायत की मांग करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है मुमरा में घर खाली मतलब घर पे कोई भी आके कब्जा कर लेगा रातों रात ताला खुला के एग्रीमेंट नहीं है। सीनियर साहब को पूरी वीडियो भेजी एग्रीमेंट कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी कोई सुनते नहीं है हमारा घर पास एग्रीमेंट नहीं है एग्रीमेंट हमारे पास है बार बार बोलती मेरे सर पे बड़े का हाथ है सर पे बड़े का हाथ मुमरा जिसके भी सर पे इसका हाथ है ना प्लीज ऐसी औरतों के ऊपर से अपना हाथ हटा दो हम घरेलू जुलूम मत करो मुमरा में ये सब चलेगा हम लोग कहाँ जाएंगे आम जनता को परेशान एलिगेशन की फाइल देखो कितनी बड़ी एलिगेशन है हमारी ये मेरी मम्मी की MLC हुई थी बट मेरी मम्मी की FIR नहीं ली है MLC होने के बावजूद भी मुमरा चौकी ने मेरी मम्मी की FIR नहीं ली है ये मेरे भाई को मारा गया था ये मेरी माँ को मारा गया था 2 साल से हम लोग मार रहे हैं मैंने डाली पड़ोसी के दिन वापस डाली कमिश्नर को RTO भी डाली कमिश्नर को मेरा जवाब क्यों नहीं आ रहा है जान की धमकी बाईपास पे आके जान की धमकी दे दिया गया था हम लोग को एलिगेशन फाइल को घर ही नहीं देंगे। नहीं अभी घर पे जो बोले जल गया कैसे जला क्या हुआ था घर में इलेक्ट्रिशियन बोलती है शॉर्ट सर्किट हुआ लेकिन शॉर्ट सर्किट कैसा होगा बेडरूम में कैसा। आप लोग का ये मामला कोर्ट में भी था तो कोर्ट की तरफ से कुछ डिसीजन आया है इन्फॉर्म किया गया FIR की लिए हमारी ना इन्फॉर्म करे ना हमको कुछ हमको 10 सोने की बिस्किट का इल्जाम 10 तोले का हार मैं कासे इतना चोरी कर घर आपके नाम पे एग्रीमेंट आपका है तो ये क्यों कब्जा कर रहे हो कुछ वजह बताए इन्होंने कुछ नहीं वो हुआ औरत का कब्जेदार है कब्जा ही करता है बिल्किस है ये कब्जा ही करती है हर घर में कासिम बिल्डर से भी इसके 3 घर इससे लिए अब कोर्ट का डिसीजन कुछ बताएंगे क्या हुआ था कोर्ट में चलेगा अभी केस हमारा चलेगा चल रहा है अभी कोर्ट में अभी हमारा घर हमको चाहिए कोर्ट में ये हम पे झूठी जो FIR हुई फॉल्स FIR बस वो चल रही है जो घर का मामला वो हमारे किसी के भी हाथ में नहीं है अच्छा बस एग्रीमेंट नहीं है आप कोर्ट में आप लोग के मारपीट का जो वगैरह है वो चल रहा है कोर्ट में हमने झूठी FIR डाली है 452 308 सेक्शन लगाई हम पे कपड़े फाड़ने का सेक्शन इसकी बेटी ने अपने कपड़े फाड़ जबकि हमारे पास वीडियो एविडेंस है हमको मुमरा चौकी ने बुलाया नहीं FIR लेने से पहले कि आपके साथ हुआ क्या है आपके पास एविडेंस है ओनली वन साइडेड इन लोग की सबकी बात सुनती है ओनली वन साइड इसकी ग्रुप की लीडर है रूही और बिल्किस ये दोनों मिलकर औरतें मेरे हम लोग के घर में कब्जा किए। अच्छा कब्जा कब से कब्जा कर रहे हैं ज्यादा मैं कोर्ट में बुलाऊंगी 2-4 आदमी लोग है गुंडे लोग उनको मैं कोर्ट में खींचूंगी मेरे पास कोई फोटो दरवाजा खोलने ही नहीं दिया हमको घर में घुस गई है उसने बोला आगे के पैसे मेरे से मैनेज नहीं हो रहा हमने बोला ठीक है आप ताला मैं ताला मार देती हूँ आप घर में मत कितने साल से थे 2 साल पौने 2 साल से घुसी है पौने 2 साल से लॉकडाउन से घुसी है निकलती ही नहीं है पूरा सामान है घर में 2 लाख के बदले से 7 लाख ले लिया हम लोग से एक्सटॉर्शन मनी मांग मांग के बट घर नहीं खाली करने तैयार है हम लोग का करने दो कितने बजे आपका नाम क्या है मेरा नाम बिल्किस सिलाड़ अच्छा ये पूरा मामला जो आज यहाँ पर विवाद हुआ है दरअसल उनका कहना है कि ये घर उनका है मेरा आप लोगों ने रेंट पर मेरा घर रेंट पे लिया मैंने हैवी पर लियू रेंट पर नहीं लियू हैवी पर ये घर लियू तो क्या आखिर विवाद की वजह क्या है क्यों इतना विवाद वजह ये है कि मैंने उसको ना हैवी पर ली ना तो मैंने उसको 2 लाख रुपए स्टार्ट में दी थी आने के पहले 2000 रुपए टोकन दी थी मैंने पहले दिन घर देख के तो उसने क्या बोली 2000 रुपए दो ये 2 लाख रुपए दो मेरे को घर का सब काम कराने का ये जाली बदली करने की है पत्रे लगाने के वो किचन में काम है सब काम का बोली तो मैंने क्या बोली दो लाख रुपए मैं आपको ऐसे नहीं दे सकती पेपर करके दूंगी तो बोली मेरे को टोकन पेपर पे दो मैंने यहाँ पर 2 लाख का टोकन नहीं होता तो ऐसे पेपर बनाई हूँ रजिस्टर नोटरी पेपर बना के इसको 2 लाख रुपए दी फिर मैं 10 तारीख को मैंने 23
23 फेब को इसको पैसे दी हूँ, 10 मार्च की मेरी आने की तारीख थी, मैं 6 मार्च को आई ना तो इन्होंने कुछ भी नहीं करवाए थे, कलर तक नहीं करवाए थे। तो मैंने इनको क्या बोले, आपने कुछ भी काम आपका कराए नहीं, हाँ, और मैंने आपको 2 लाख रुपए भी दे चुकी, तो बोले आगे के तुम सब पैसे देंगे ना तब मैं कराऊंगी, तो मैंने आप ताबा देंगे ना तब दूसरे पैसे अब मैं दूंगी, मेरी गलती है क्या, 2 लाख रुपए कम होते हैं क्या स्टार्ट अभी, में अभी आप लोग फिर है ना इन्होंने ना इनको मैंने ना 12 तारीख को मैंने ताबा लिए, मेरे पास है ना फुटेज है जो मैं कोर्ट में पेश करूंगी, 20 मार्च को 12 मार्च को मैं इस घर में मैंने ताबा ली, तो इन्होंने क्या किया ना ये लॉक की चाबी ना एक बोले मेरे पास रहने तो मैं काम कराऊंगी, काम 6 तारीख तक नहीं हुआ था तो 12 तक तो नहीं होने वाला था, टाकी भी पानी की नहीं धुली हुई थी, जब मैं आई ना मेरी हमारा घर सना गार्डन में टीएमसी में ग्राउंड फ्लोर में है 2-3 बिल्किस आपका उनका कहना है कि आप जो है उनके घर पे, आपको जो बोले आपको सुन लीजिए, मेरा घर है ना सना गार्डन में ग्राउंड फ्लोर पर है, टीएमसी में रहते हैं, बोलती है वो घर पे भी कब्जा करे, वो बोलते हैं, हाँ वो बोलते हैं वो घर पे भी कब्जा करी हूँ, मेरे और भी बहुत सारे घर हैं सब कब्जा करी हूँ मैंने, उनका ये बोलना है, सब घर पे कब्जा करी तो यही घर पे रह रही हूँ मैं, हाँ ऐसे जले हुए घर में रह रही हूँ मैं, हाँ मैंने ना फिर इनको क्या बोली कि आप पानी की टाकी का नहीं करके दिए, उन्होंने नहीं करके, मैं बोली आपा मेरे से कैसे रहूंगी, एक चाबी भी है ना क्या हुआ कौन कर दी मेरे को हमारी, इसीलिए मैं ऊपर नहीं आती थी, तो तुम्हारे को देखो इनको भी देखो मार है लिए लिए बिल्कुल। आप ये बताइए आपने उनको टोटल कितने पैसे दिए, आप वो सब मत कीजिए, मुझे चौकी जाना आज का, आप देखिए पहले क्या है, मैंने ना उसके बाद ना उनको 3 लाख रुपए और आरटीजीएस करी, उन्होंने बोले काम कराना, एक चाबी उन्होंने लॉक की रखे इसमें किसी का भी ताला नहीं था, एक बोले मैं रखती एक तुम रखना मेरे काम कराने का है, फिर उसके बाद में ना इन्होंने 15-16 तक भी टाकी का काम पीने का, एक भी नल में पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने आपा मेरे 10 लोग आते दस लोग आते लेने के लिए और आपने पानी का कुछ इंतजाम नहीं करे, मैंने मैंने इनको बोली आपकी ये प्राइवेट ये मोटर है इनलीगल कनेक्शन है उनका वाटर का और इनकी लाइन है ना डायरेक्ट में थी तो मैंने बोली आपको बताना चाहिए था, मैंने आपको लेने के पहले पूछी पानी आता, आपने बोले आता, आपने बोले नहीं कि हमारा प्राइवेट कनेक्शन है और इनलीगल में आप चला रहे, टोरेंट वाला आएंगे जो रह रहा उसको पकड़ेंगे, गलत बात है कर वो दो। क्या आपसे घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं, कैंसिल कर दो, मैंने बोली अच्छा। मैंने बोली अगर डायरेक्ट में नहीं चलेगा मुझे आप या तो बिल्डिंग का लाइन करके दो नहीं तो डील कैंसिल कर दो, बोले कैंसिल कर दो इन्होंने बोले, इन्होंने मुझे मैंने बोली मेरे को 15 दिन का टाइम चाहिए, इमीडिएट में खाली नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ये घर ली थी ना हर्बल लाइफ करने के लिए ली थी, बाद में इन्होंने क्या करे 19 तारीख को बोले वो टोकन था और टोकन रिटर्न नहीं होता है, 2 लाख रुपया टोकन था, तुमने डील कैंसिल करे टोकन रिटर्न नहीं होगा, ये इनका बोलना था, मैंने अगर आपको डील कैंसिल नहीं करनी थी बिल्डिंग का कनेक्शन करवा देते मुझे बात करके सोसाइटी में, या तो फिर आप मुझे टाकी का पानी 10 दिन 5 दिन तक 6 दिन तक पानी नहीं है, दरअसल जरूरत है सुनिए ये जो घर है ये जो उनका है ये उनका है ना उनका घर है भाई, हाँ उनका कहना है बेचना बाचना होता ना तो मैं 2-1.5 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, मैं बेच चुकी होती, सुनिए लास्ट बताइए ये बच्चा पालती में, नहीं सुनिए मुझे 3 लाख जब रिटर्न करे ना और मैं चीटर होती ना तो वो 3 लाख ले ली इनका घर भी नहीं, देखा, बोल 2 लाख रुपए आज जो विवाद हुआ उनका ऐसा कहना है कि ये घर पे आप कब्जा कर रहे थे ऐसा उनका मैं कहना है, घर के अंदर रह रही हूँ रह रहे ना, तो अगर आप 19 सितंबर को भी लोग गुस्से थे घर के अंदर ताला काट कर, तब मेरी बच्ची अकेली थी तब का FIR बना हुआ, तब इन्होंने पूरा मेरा सामान इन्होंने रोड पर फेंक दिया, मेरे घर के अंदर चोरी करे और मेरे घर मेरी बच्ची को इतना मारे, इसके कपड़े फाड़ने का इन्होंने रीजन बच्ची ने जो सुनी, बच्ची अंदर थी, बच्ची को यही बोले कि तेरा वीडियो बनाएंगे ना तो तेरी माँ ने कभी रिटर्न नहीं आएगी, पूरा एक एक चम्मच मेरा रोड पे इन्होंने फेंके थे, एक एक चम्मच मेरा रोड पर था और ये मेरी बच्ची घर के अंदर अकेली थी, इसको इतना मारे क्योंकि इसने अपोज करी, आज जैसे हमने अपोज करे और मार खाए ना कोई भी घर में घुसने देगा क्या किसी को, हाँ मेरी बच्ची अकेली थी, चर्सी लोग को लेकर आई थी अमृत नगर की चर्सी औरतें इसके साथ में थी, वीडियो में साफ दिख रही है, इसकी बेटी मरियम हल्दे थी, इसका बेटा सईद था, ये खुद थी और इसके साथ में कितने लड़के लोग थे, हाँ और मेरी मम्मी जब आई ना तो अंदर नहीं जाने देते, मेरी बेटी ने पुलिस को फोन करी 100 नंबर पे फोन करी, मेरी मम्मी को फोन करी, मैं इधर नहीं थी थाने में थी, वो जब आए ना तो सईद अंदर नहीं घुसने देते, ऐसा हाथ पकड़ के खड़ा हो गया, बोले अंदर नहीं जाने देंगे, तो बाहर लड़के खड़े थे ना तो उनको बोले के बोले अब हम लोगों को अंदर आने दो, हम लोग को अंदर जाने दो, तो उसने क्या बोले बोले हम लोग ना बोले 70 भाई ने भेजे, बोले हम लोग भी 70, वो क्या समझे बिल्डिंग वाले लड़के लोग,
बोले हम लोगों को सत्ता भाई ने भेजे, हम लोग ना ये घर पे कब्जा करेंगे, आज तुम लोगों को निकालेंगे। तो मेरी मम्मी को देखे ना मेरी बेटी को मार रहे, तो उसके सईद के हाथ पे इधर काटे, हाथ हटाए ना, तो मेरी मम्मी अंदर गए फौरन, पहले इसके कपड़े पे पिन लगाए उन्होंने, अपने पिन लगाए, और फिर उसके बाद इतना हंगामा करे, एक एक सामान फेंके। मेरी मम्मी बोले सब शांत बैठो, पूरे वीडियो में दिख रहा होगा आपको, वो पलंग पे बैठी हुई औरत है, उन्होंने कुछ भी नहीं करे, बैठे थे वो पलंग पे। बोले जो फेंकती है जो करती ना करने दो, तेरी माँ आएंगी सब देखेंगी। पुलिस चौकी में गई, मेरी बेटी को ऐसी हालत में उठा के गई, मुजावर सर थे ऑफिस में, वो खड़ी नहीं हो सकी। बोले देखिए सर, मैंने आई नीचे से मेरी बच्ची को बुलाई, उसको सीढ़ी पर भी मारे, इतना उसको सीढ़ी पर भी मारे, उसको घर में इतना मारे थे, उसके कपड़े फाड़े थे, चैन तक उसकी खोल दिए थे, वहां तक उसको नीचे भी सीढ़ी पे मार, फिर भी वो कैसा तैसा करके आई। वो भी मेरे पास वीडियो है, सीढ़ी का नहीं है पर नीचे का वीडियो, जब वो आई फुटेज है, फुटेज टीवी का, जब उसको लेकर उन्नीस लोग जितने लोग आए थे ना सबका फुटेज है, चार घंटे का पूरा मेरे पास वीडियो फुटेज है, मैं पुलिस चौकी में दे चुकी हूँ, एक की भी अरेस्टिंग नहीं हुई। हाँ, मुजावर सर का बोलना था जाके रिपोर्ट लिखा, बोली सर सामान फेंक रहे, फिर मैं इसको उठा के सीपी ऑफिस गई, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, पुलिस नहीं आई, मदद नहीं करी, मैं वहाँ पे सीपी ऑफिस गई, मेरी बेटी को पहले मेडिकल कराई, फिर उसको उठा के वहाँ पे सीपी ऑफिस लेके गए, खड़ी भी नहीं, फौरन उन लोग ने पुलिस की मदद भेजे, नावले सर आए थे, मैं यहाँ पे नहीं थी, नावले सर ने खाली कराए, लोग सबको लेकर गए।